बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तारिक फूड सीक्रेट में आज मैं लेकर आया हूँ आलू कीमा, जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा। बिल्कुल सादा मसालों में बनाएंगे, घर के मसाले जितनी जो चीज़ें घर में हैं उसी से बनाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, पुराने दोस्त लाइक कर दिया करें जनाब। ये आप दोस्तों की तरफ से इनाम और प्यार होता है, तो रेसिपी पूरी देखिएगा। इंशाल्लाह आलू कीमा बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनने वाला है, तो चलें रेसिपी की तरह चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे पास आधा किलो कीमा है, गाय का गोश्त है, इसका मैंने कीमा बनाया था तो धो के साफ़ कर लिया है। तो चूल्हे की आग को ऑन कर देते हैं और कढ़ाई को चढ़ा देते हैं। जो हमारे पास कीमा है, बीफ कीमा है, तो इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ऐड कर देंगे। इसके अंदर कोई चीज़ भी अभी ऐड नहीं करनी है, क्योंकि इसका जो अपना पानी है वो खुश्क होना चाहिए। तो इससे जो है ना, एक कलर भी अच्छा आता है और दूसरा इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का आएगा। जनाब रेसिपी पूरी देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त सादा मसालों में कीमा बनने वाला है। तो ये देखें, पानी जो जितना था वो ऊपर आ गया। इस पानी को हमने सबसे पहले खुश्क करना है। लीजिए, पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। आप कुकिंग ऑयल इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो साथ में ये प्याज कटा हुआ है, ऐसा आपने गोल ऐसे काट लेना है। तो एक अदद प्याज है, इसके अंदर वो ऐड कर देते हैं। प्याज को ऐड करने के बाद थोड़ी देर इसको मिक्स करेंगे, एक से दो मिनट अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं। जनाब प्याज जो है वो भी मिक्स हो चुका है। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। दो चम्मच है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मेरे पास आलू है, ये चिप्स की तरह काट लिए हैं मैंने, इनको बड़ा नहीं काटना है, इसी साइज़ में काटना है। तो इसको भी मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का सादा मसालों में बनेगा। जो घर में चीज़ें हैं उसी से आज हम कीमा बनाएंगे। तो कोई बाज़ार से चीज़ नहीं लेकर आनी ऐसी वैसी। तो काली मिर्च है थोड़ी सी, ये ऐड करनी है। खुश्क धनिया है, साथ में इसके ज़ीरा है वो थोड़ा सा ऐड करना है हमने। तो इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का कीमा बनेगा। तारीख के तरीके से ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। तो बहुत सिंपल तरीके से कीमा मैं बना रहा हूँ, तो बहुत मज़े का डिफरेंट बनेगी रेसिपी। तो दो चम्मच इसके अंदर करी पाउडर जाएगा। अगर लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करते हैं तो एक चम्मच ऐड कीजिएगा। नमक हसबे ज़ायका इसके अंदर ऐड करेंगे। और हमारे पास एक अदद टमाटर है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। छिलका मैंने इसका उतार लिया है। तो अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं जनाब। तो मिक्स करने के बाद अब ढक्कन इसके ऊपर जो है ना वो रख देते हैं। तो जनाब मिलते हैं 10 मिनट के बाद। तो 10 मिनट हो चुके हैं, पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। तो अब कीमे को जो है ना अच्छे तरीके से हम फ्राई कर लेंगे, ताकि जो है जितना भी जो पानी फालतू है वो इसके अंदर खुश्क करना है। तो ये हमने आलू और कीमा जो बनाना है ये खुश्क बनाना है, इसके अंदर पानी नहीं रखना है। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनेगी। तारीख के तरीके से एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि मेरी रेसिपी जो मैंने बनाई है कैसी बनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं जनाब, तो चैनल को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो आलू जो हैं वो भी गल चुके हैं, कीमा भी गल चुका है, मसाला जितना है वो गल चुका है। तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसमें से आ रही है। तो अब चूल्हे की आग को बंद कर देते हैं और डिश आउट करते हैं। लीजिए जनाब, अब डिश आउट करते हैं, एक प्लेट में ऐड करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा तारीख के तरीके से, मुझे बताइएगा मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। आप गार्निश कर लेते हैं, धनिया अदरक और हरी मिर्च से गार्निश कर लीजिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म का बनेगा, बिल्कुल सिंपल सादा मसालों से बना है। तो तारीख को दें इजाज़त अगली रेसिपी तक। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम फ़ी अमानिल्लाह।